निर्वाचन आयोग झारखंड का अगले एक दो माह में रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने आज आयोग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि आयुक्त 6 जनवरी को चुनाव विचारों को दुरुस्त करने को रामगढ़ जा सकता है, रामगढ़ के लिए अपनी तैयारियों में लग चुका है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल हो चुका है। सब ठीक रहा तो 2 महीने में रामगढ़ में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस दौरान निर्वाचन आयोग के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए आपका नेम चेक कर लीजिए, उसमें वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसमें वो आवश्यक है, केवल कार्ड रहने से कभी कभी इलेक्शन के समय में ढंग से उनका नाम चेक करते रहेंगे उनमें। इसके साथ में कोई भी वेरिफिकेशन में कोई कार्ड देता मतलब उसके आधार पर भी सभी व्यक्ति है उनका एपिक नंबर का आपका वोटर हेल्पलाइन मैप में डालने के बाद उनका पूरा डिटेल मिल जाती है, इसलिए उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। साथ में अभी कोई आवेदन नहीं दे पाए तो अभी कंटिन्यू सबडेशन में दे सकते हैं उसका वोटर हेल्पलाइन ऐप में, NGST में नहीं मतलब मुद्रा लाभार्थी के पास दे सकते हैं। कंटिन्यू सबडेशन में हम लोग उनका नाम शामिल करवाने के लिए कार्रवाई करेंगे उसमें। वो सभी कंटिन्यू सबडेशन में कितना रिविजन में फॉर्म आ जाए तो उससे ज़्यादा भी कभी फॉर्म आ जाते हैं हम लोग, इसलिए कंटिन्यूस अपडेशन में भी हम लोग फोकस करके उसका कर लेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन है, लगभग को 68% आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। कुछ मतदाता उनका आधार नंबर देने के लिए थोड़ा सा इनकार कर रहा है उसमें, जिसमें कुछ कारण भी हो सकता है उसी को। ये पूरा आधार डेटा है, पूरा सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं उसका, ताकि उनका शिफ्टिंग सब कुछ में आसान होगी। डी डुप्लीकेशन तो हम लोग फोटो सिमिलर एंट्रीज आपका GST के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करके डी डुप्लीकेशन करते जा रहा है उसी में, इसलिए दो जगह पर रंग में नाम रख लेंगे, आधार नंबर देगा मतलब पकड़ा जाएगा, ऐसा कोई उपाय नहीं। कमीशन का अदर मेथड्स भी है उनका डी डुप्लीकेशन करने के लिए, प्योरिफिकेशन का रोल के लिए, इसलिए आपको दो जगह पर नाम तो रख नहीं पाएंगे, इसलिए आपका कहाँ रखना है, एक ही जगह पर नाम रहेगी, दो जगह पर तो नाम रह नहीं सकते, वो भी एक जगह कहाँ पर आप ऑर्डरली रिसेट करता है, कहाँ पर नाम नहीं वो रहता है वहीं पर रहेगी। बाकी जहाँ पर उसका टेक्नोलॉजी आ गया उसमें PAC DAC के माध्यम से उसका रोल का प्योरिफिकेशन किया जा रहा है, इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ सब अपने अपने आधार नंबर का भी सीडिंग कर लें, ताकि हम लोग का भारत का मतदाता सूची है वो प्योरीफाई हो, हम लोग का डेमोक्रेसी का और मजबूत करने के लिए आपका सहयोग आवश्यक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।